क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के सामने कचहरी रोड पर उस पार्किंग पर देखा जा रहा था कि पार्किंग कम हो रही है और जो ठेले वगैरह हैं उनका पक्का अड्डा बन गया और ठेले आदि खड़े हो रहे हैं काफ़ी मात्रा में, और जो बड़ी बड़ी वैन्स हैं उन्हें भी फूड वैन्स के तौर पर यहाँ पर खड़ा करा जा रहा था, तो वही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इतने पहले इनको पहले शिकायत की? इनको हमने पहले भी 2-3 बार आकर के कह दिया था, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई इनके द्वारा नहीं हटाया नहीं गया था ठेलों को, तो आज नगर निगम प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। अगर फिर वापस शाम को लगा लेते हैं मैडम, किस तरह वापस पुनः कार्रवाई की जाएगी और कल जब्ती की जाएगी। आज समझाइश करी? आज समझाइश कर रहे हैं और हटा भी रहे हैं, जब्ती नहीं कर रहे हैं। कल अगर यहाँ पे ये साफ नहीं होता है तो कल जब्ती की जाएगी। श्वेता चौधरी, नगर निगम। मैं चाहिए बस हटाने के लिए तैयार है हम भी। कल मैडम आई थी, बोले पीछे कर लो, हमने पीछे कर लिए थे। आप क्या बोल रही मैडम? कुछ नहीं है, हटा लेंगे 1-2 दिन में हम तो। बस, और ये डेयरी भी लगी हुई है, ये अनलीगल है डेयरी। ये भी पार्किंग में ही है? ये पार्किंग में है, नो वेंडिंग जोन, तो फिर डेयरी के लिए भी नाविद होता है। और नाले पे डेयरी लगी नहीं सकती, पहले बात तो हमारी 3 बार डेयरी पास हुई है, हमारी तो लगी नहीं। अच्छा। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, फिर अभी जब पार्किंग वाले से बात हुई तो वो क्या बोल रहे? पार्किंग वालों को फोन करा, बोले बाहर हूँ मैं तो। कितने रुपये देते हो आप पार्किंग वालों को? अभी तो कुछ नहीं देते। आगे आपके और साथी बोल रहे 6,000 रुपये देते हैं, उनसे पूछो ना भैया। आप नहीं देते हो? नहीं, कुछ नहीं देते, हम तो 30 साल से कर रहे हैं। ठीक है, नाम बताइए आपको? विजय सिंह गहलोत। मैडम आज से 20 साल पहले से लगा रहे हैं डेयरी, तो अभी लगी है मैडम, उसको कैसे अलाउ करेंगे? डेयरी लीगल है, लीगल उनसे हुई है ये सब। मैम मेरी भी पॉलिसी है, लीगल प्रोसेस में लोग ठेकेदार को पैसे देते हो भाई? नगर निगम ने लगा मैडम, 15 साल से मीटर पक्का लिया हुआ मैडम, बिल भर रहे हैं। आज मैं कचहरी रोड की, मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ।